मारपीट करते पुलिस वालों के वीडियो तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा ये वीडियो जरा अलग है। इसमें एक पुलिस वाला बुरी तरह पिटता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस के इस जवान को कुछ लोग लात घूसों से मारते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस वाले के पास पिस्तौल भी मौजूद है, फिर भी वो बेबसी के साथ पिटता रहता है। बीच बीच में बस इतना कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। दारू पी गए गुरुजी? हाँ, सही नहीं हो रहा है तेरी। सही नहीं हो रहा, तूने छोड़ दिया। वीडियो में जो लोग पुलिस वाले को पीट रहे हैं, वो उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं। कहते हैं तूने शराब पी रखी है। पुलिस वाला बार बार कहता है ये जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। ताकत मोर देवी बहुत फालतू गुरुजी, सही नहीं हो रहा है। हाँ बोल, बोले। हाँ बोल, बोले। वीडियो में थोड़ी देर के लिए एक और पुलिस वाला भी नजर आता है, जो मारपीट कर रहे दोनों लोगों को रोकने की कोशिश करता है। कहता है ये गलत बात है, लेकिन ये दोनों शख्स उसकी बात को अनसुना कर मारपीट जारी रखते हैं। हमारे हाथ छोड़ रहा है। अरे छोड़ के वीडियो बना भाई, और लाइव चला इसको। अरे एक मिनट ऐसे इस तरह के हाथ कर दिया, इसलिए गुरुजी दारू पी गए गुरुजी? हाँ, सही नहीं हो रहा है तेरी। सही नहीं हो रहा, तूने हाथ छोड़ दिया। तूने पच्चे बात कर नाम नहीं रे, मर के हाथ छोड़ तेरे तो ना ताकत मोर देवी बहुत फालतू। मारपीट करने वाले बार बार कहते हैं कि इसका वीडियो बनाओ, यानी उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अगर पुलिस वाले को पीटने का ये वीडियो सामने आया तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अरे छोड़ दे भाई, बात और लाइव चला इसको। अरे एक मिनट ऐसे बात करो ना, इसलिए हाथ खैर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में अभी तक जो बातें पता चल पाई हैं, आपको हम बताते हैं। ये वीडियो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का है। ये वीडियो 1 अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था। आरोपी का नाम रिंकू गुप्ता है, जो जिम चलाता है। पिट रहे पुलिस वाले का नाम है सुशील। जानकारी के मुताबिक सुशील उत्तम नगर के एक बिजनेसमैन संजय गुप्ता के यहाँ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम करता था। संजय गुप्ता को दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 PSO उपलब्ध कराए गए हैं। 1 अप्रैल को ये पुलिस वाला उत्तम नगर में संजय गुप्ता से मिलने आया था। यहाँ उसका किसी बात को लेकर संजय के भतीजे अश्विनी गुप्ता से विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान सुशील ने अश्विनी को थप्पड़ मार दिया। इसी से बौखलाए संजय के भाई रिंकू गुप्ता और अन्य लोगों ने सुशील की यूं पिटाई कर डाली। गुरुजी? हाँ, सही नहीं हो रहा है तेरी। सही नहीं हो रहा, तूने हाथ छोड़ दिया। लेकिन लोगों को सिर्फ ये बात हैरान कर रही है कि आखिर ये पुलिस वाला मारपीट का खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहा, जबकि उसके पास पिस्तौल तक मौजूद है। ऐसे में मामला संदिग्ध लग रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसे लेकर जल्द कार्रवाई की जाएगी, पूरे मामले की इंक्वायरी की जा रही है और दोषियों पर एक्शन लिया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।